हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हम सफ़र, क्योंकि दोस्त जॉब ज़रूरी है। तो जैसा कि दोस्त आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 9 फरवरी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग अप्रॉक्स मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन आया था दोस्तों इस तरह का कि एक ओपैम्प दिया हुआ था दोस्त, और यहाँ पे V1 V2 दिया हुआ था, दिख रहा है आपको। दो रेसिस्टर लगा दिए थे, 10 किलो ओम 10 किलो ओम, और इधर था 100 किलो ओम, और इधर ग्राउंडिंग कर दिया गया था, और इसका कुछ रेसिस्टर था दिया हुआ। तो पूछ रहा था कि V आउटपुट आपका कितना होगा, इसमें V आउटपुट आपको निकालने के लिए बोला था। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे ग्राउंड किया होता है, यहाँ का वोल्टेज जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आपका V1 भी कुछ वहाँ पे दिया हुआ था, और यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। तो इसमें करंट निकल जाएगा, यही करंट है जो इसमें फिर फ्लो हो जाएगा। तो फिर V बराबर IR करके इसका वोल्टेज निकाल देना है। तो उसमें V1 V2 का कुछ वैल्यू भी उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और जो आंसर आ रहा था दोस्त, वो आंसर आ रहा था 100 मिली वोल्ट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। ये क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में, मूविंग आयरन हैज 10 ओम रेसिस्टेंस एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 10 मिली एम्पेयर। कह रहा है कोई मूविंग आयरन था, उसका 10 ओम रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस, और उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन में है जो 10 मिली एम्पेयर है, एंड हाउ मच रेसिस्टेंस इन द सीरीज कैन बी एडेड। तो कहता है कि उस मूविंग आयरन में कितना रेसिस्टेंस हम लोग ऐड कर दे सीरीज में, ताकि वह 100 वोल्ट का वोल्टेज एकोमोडेट कर ले। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब बोल सकते हैं इस तरह का कि कुछ ये मूविंग आयरन है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कुछ रेसिस्टेंस और हम लोग सीरीज में जोड़े, ताकि जो पहले सिर्फ कितना था, पहले इसमें 10 ओम का था और इसमें करंट फ्लो हो रहा था 10 मिली एम्पेयर, ठीक है दोस्त। तो अप्रोक्स इसमें कितना हो जाएगा, तो भी बराबर आयर होता है, तो 10 ओम × 10 मिली एम्पेयर कर देंगे हम लोग, तो इसका जो वोल्टेज इसके क्रॉस हो जाएगा। लेकिन करना क्या है कि अब क्या कर रहा है, इसके क्रॉस वोल्टेज हम लोग 100 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो 100 वोल्ट अप्लाई कब करेंगे, यदि बिना कोई एडिशनल रेसिस्टेंस के हम लोग अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो मेरा मूविंग आयरन वाला है जो क्या होगा, जल जाएगा रेसिस्टेंस। तो क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल हम लोग एक नए रेसिस्टेंस को सीरीज में ऐड करेंगे, और उसका जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे हम लोग, आसानी से निकल जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शायद इसका आंसर कुछ ऐसा कुछ आ रहा था डाटा में, 9990 किलो ओम आ रहा था इसका आंसर, राइट आंसर। आप जैसा कि आपने देखा होगा, आपको याद भी होगा यदि आप एग्जाम दिए हैं तो, और यदि मान लीजिए कि आप अभी गेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसके पैटर्न को देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल करंट ऑफ द 3 फेज 4 वायर, थ्री फेज 4 वायर सिस्टम है, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ न्यूट्रल करंट, तो न्यूट्रल करंट का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, न्यूट्रल करंट है उसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, और कब, जब द थ्री करंट आर शिफ्टेड बाय 120 डिग्री, जो तीन फेज है जो 120 डिग्री से शिफ्ट है, ठीक है, और जो चौथा जो न्यूट्रल है उसका पूछ रहा है कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, उसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफर फंक्शन दिया होता है, एच एस एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था, उसमें लिखा होता है A1S² + B1S + C1 / A2S² + B2S + C2, और इसमें कह रहा था कि जो A1 और B1 जीरो नहीं है, ठीक है, सॉरी A1 और B1 जीरो है, और ऑल कोफिशियंट आर पॉजिटिव, बाकी जो कोफिशियंट है आपका कौन कौन, आपका जो कोफिशियंट बाकी बच गया कौन कौन, आपका कोफिशियंट बच गया C1 बच गया C2 बच गया, तो वे है जो क्या है वो आपके पॉजिटिव है। तो बताना है कि जो ए है जो ट्रांसफर फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, बैंड पास फिल्टर को रिप्रेजेंट करता है, कि बैंड स्टॉप फिल्टर को रिप्रेजेंट करता है, कि हाई पास फिल्टर को रिप्रेजेंट करता है, कि लो पास फिल्टर के रिप्रेजेंट करता है, इसमें आपको एक ऑप्शन को चुनना था। चलिए तो एक हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन था दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेहद आसान टॉपिक है, और बिल्कुल इसमें बनते हैं प्रश्न, और इसमें भी आज भी बना था इस शिफ्ट का भी। इसमें क्या था कि आपको इसमें ध्यान देना था कि PQ RS नहीं था, इसमें RS PQ था, तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान देना था। और यहाँ पे दिया हुआ था आपका मिड टर्म 1-1, यहाँ पे एक बन जा रहा था, और आपका एक आपका बन जाएगा ऊपर वाला 4 बन जाएगा, इस तरह का बन जा रहा था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हर कोई कर लिए थे इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं एक और डिजिटल का काफ़ी आसान क्वेश्चन आया था, इसमें आपको सर्किट को सिंप्लीफाई करना था। तो इसमें क्या था आपको कि इसमें आपको एक सर्किट दिया हुआ था, इसमें आपको इसका जो जेड है आउटपुट वो किस तरह का शो करेगा, नॉर गेट शो करेगा, एक्स नॉर शो करेगा, जॉर्ज शो करेगा, इस तरह का आपको देखना था। तो ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको एक नॉट गेट लगा दिया, एक एंड गेट लगा दिया, एक एंड गेट लगा दिया, और एक और गेट लगा दिया, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेटवर्क थ्योरी से भी क्वेश्चन था,
और नेटवर्क थ्योरी के भी क्वेश्चन काफी आसान आसान प्रश्न आ रहे थे और हर कोई इसे बना ही ले रहा था लमसम। लाके देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दिया हुआ था एक 20 वोल्ट बैटरी दिया हुआ था, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक आपका दिया हुआ वोल्टेज सोर्स जो भी क्या है, जो वोल्टेज सोर्स आपका दिया जो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। आगे देखते हैं, एक दिया हुआ था आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स 2 एम्पीयर का, तो पूछ रहा था कि आपको आई का वैल्यू निकालना है और आपका आई का वैल्यू क्या है, आई आपका ये वाला था दिया हुआ, ये आपका जो एरो है डिपेंड कर आई, ऐसा कुछ करंट इसमें फ्लो कर रहा था दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन था आपका ईएमएफटी से भी बेहद आसान प्रश्न आया था। इसमें क्या था कि आपको एक दिया हुआ था सिलिंड्रिकल, जो भी सिलिंड्रिकल मतलब कि बीच से खोखला जो ये वाला पोर्शन है इसका, इस तरह का कैपेसिटेंस था जो ये वाला पोर्शन इसका भरा हुआ है, तो कह रहा इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 है, ठीक है, कब जब इसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है ER1 है। अब क्या कहता है कि इसको क्या करता है ना कि जो ये वाला आपका है स्फेरिकल, तो इसका एक चौथाई भाग को काट देता है, इसका एक चौथाई भाग को काट दिया, काट करके इसमें ER2 मटेरियल का जिसका परमेबिलिटी ER2 है उसको डाल देता है, तो क्या होता है ओवरऑल कैपेसिटेंस की बात करें तो ओवरऑल कैपेसिटेंस उसका दुगना बढ़ जाता है, ओवरऑल कैपेसिटेंस उसका दुगना बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि ER का वैल्यू क्या होगा, आपका ER2 है सॉरी ER2 का वैल्यू क्या होगा, ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 KVA का, ठीक है, 50 वोल्ट और इधर 100 वोल्ट है, एक ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसका सेकेंडरी बाइंडिंग का वोल्टेज है जो 95 वोल्ट है, ठीक है, जब लोडेड है, जब लोडेड है तो उसका वोल्टेज 95 है, ऐसे इसका सेकेंडरी का कितना है 100 वोल्ट है, तो कह रहा है कि बताइए इसका रेगुलेशन कितना होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 9 होगा, 4.5 होगा, 1 होगा या 5 होगा, जिसको आपको इसी से चुनने थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका पड़ेगा डीसी मशीन का, सॉरी सिंक्रोनस मशीन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका पढ़ रहा है, क्या बोल रहा है कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जो कि 200 एम्पीयर करंट ड्रॉ कर रहा है एट यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, एट द रेटेड लोड, जबकि इसका लोड क्या है रेटेड लोड है, कंसीडर द सेम लाइन, आपको कंसीडर करना है सेम लाइन, वोल्टेज भी सेम करना है, द लोड लाइन करेंट एट ए पावर फैक्टर 0.5 लीडिंग, कह रहा है हर चीज सेम, हर पैरामीटर सेम है, ओनली आपको कह रहा है कि आपका बस जो लोड लाइन है वो उसका पावर फैक्टर है जो 0.5 है, तो आपको बताना है उसमें से कितना करेंट फ्लो करेगा, 300 एम्पीयर करेंट करेगा फ्लो करेगा, 200 एम्पीयर करेगा, 400 एम्पीयर करेगा, 100 एम्पीयर करेगा, ठीक है दोस्त। तो ये रही 10 क्वेश्चन दोस्त, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जॉब हम सफर, क्योंकि दोस्त यहाँ पे जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं, हो सके तो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर हो सके तो जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के रूप में या नंबर ऑफ वैकेंसी या फिर आपको हर तरह की जानकारी इस चैनल पे आपको मिलेगी। और मेरा परिवार जॉब हम सफर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, एक्सपोनेंशियली इसका ग्रोथ हो रहा है। तो दोस्त और एक चीज आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि जो भी चीज़ मैं डालता हूँ वो चीज़ परफेक्ट होती है, इसमें एक्यूरेसी 100% होती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से कुछ चैनल वाले हैं जिनका जो काफ़ी ब्रांडेड माना जाता है इन सभी के क्षेत्र में, उन्होंने भी मेरा ही वीडियो को कॉपी किया है। अब मैं क्या बोलूँ उन्हें, मैं कितने मेहनत से इस क्वेश्चन को जुगाड़ किया था और उन्होंने मेरे ही वीडियो को कॉपी कर लिया। खैर ठीक है, कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर एटलीस्ट मेरा नाम तो दे देते हैं कि मैंने इसका सोर्स है जो जॉब हम सफर यूट्यूब चैनल है। बस इसी चीज़ के लिए मुझे ग्लानी हो रही है, इसी चीज़ के लिए मुझे दुखी हो रही है कि बस मेरा नाम ही नहीं दिया, यदि मेरा नाम दे देता तो मैं उसे कुछ नहीं बोलता। चलिए दोस्त ऐसे भी मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, जो भी करे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है ये भी मशीन का क्वेश्चन है। इन ए सिंगल मशीन इन्फिनाइट बस सिस्टम सोन बिलो, एक सिंगल मशीन है इन्फिनाइट बस सिस्टम, इसका जनरेटर इज डिलीवरिंग द रियल पावर, जो जनरेटर आप दिख रहा है आपको वो रियल पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है, और उसका पावर उसका एट अ पावर 0.8 U, उसका रियल पावर 0.8 U PU में है आपका दिया हुआ है, और एट ए पावर फैक्टर दिया हुआ 0.8 लैगिंग टू द इन्फिनाइट बस, आपका इन्फिनाइट बस है, ठीक है। अब क्या कहता है कि आपको निकालना क्या है, द पावर एंगल ऑफ द जनरेटर इन द डिग्री, आपको जो जनरेटर उसका पावर एंगल आपको पूछा था डिग्री में, जबकि आपको डाटा दिया हुआ था आपको एक्स टी का वैल्यू दिया हुआ 0.2 PU, 0.25 PU, एक्स टी आपका दिया हुआ था 0.2 PU, और X11 दिया हुआ था आपको 0.4 PU, और आपका SL2 दिया हुआ था 0.4 PU, और इधर आपका दिया हुआ था इन्फिनाइट बस सिस्टम उसमें इसका वी का एंगल दिया हुआ था 1 एंगल 0 इसका था दोस्त। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गई, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो इसमें लिखा हुआ है कि द आउटपुट रिस्पांस ऑफ ए सिस्टम बाई टी, कोई मतलब कि एक सिस्टम है उसका आउटपुट रिस्पांस निकालना है बाई टी, ठीक है, कब, जब उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म बाई एस दिया हुआ है 100 / s / s² + s + 100√2, और उसका पूछ क्या रहा है, इसका कह रहा है स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा, कब बाई टी का। देखिए दोस्त बाई टी का स्टेडी स्टेट वैल्यू पूछे, इसका मतलब क्या करना होगा, लिमिट एस टेंस टू बाई टी इन्फिनिटी है, सॉरी टी इन्फिनिटी है, तो एस आपका क्या हो जाएगा उल्टा आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आपको क्या करना है लिमिट एस टेंस टू
आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको सिंपली क्या करना था कि लिमिट एस टेंड्स टू जीरो आपको करना था, और ऊपर आपको एस से मल्टीप्लाई करना था, और हंड्रेड डिवाइडेड एस इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस हंड्रेड रूट टू, आपको एस एस से खत्म हो जाता, और इसमें एस में आप जीरो भर दीजिए तो आपका एटलीस्ट आपका लास्ट आंसर क्या आने वाला है, आपका लास्ट आंसर आने वाला है हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड रूट टू, यानी एक बाई रूट टू आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए ये रहा ये वीडियो, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन ही आपको बता दिया मैंने, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन किसी यूट्यूब चैनल वाले ने नहीं दिया है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, और आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट लिए हैं, ताकि मैं कटअप निर्धारण करूँ पी एस यू के लिए क्या कुछ रहने वाली है पी एस यू के कटअप के बारे में। चलिए दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।